Pisces, hi, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है रीडिंग, और मैं इसमें अपना हैंड मेड टैरो डेक यूज करूंगी, प्लस कुछ चार्म्स भी यूज करने वाली हूँ पहली बार। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आपको चार्म्स रीडिंग जो है वो कैसी लगी। ठीक है Pisces, थैंक यू सो मच। Queen of Swords, you're annoying but I love you. तो वो टॉम एंड जेरी वाला जो रिश्ता होता है वैसी शुरुआत हो रही है। टॉम एंड जेरी यहाँ पर आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनकी माँ भी हो सकती है। लीब्रा, अक्वेरियस, जेमिनी, जरूरी नहीं है जनरल रीडिंग्स में ज्यादा ध्यान ना दिया कीजिए साइंस पर। तो यहाँ पर आप किसी को जैसे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को अनॉय कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स कह रहा है कि ठीक है भाई, मान गया मैं तेरी बात, लेकिन मुझे अनॉय ना कर। बहुत हल्की एनर्जी के साथ आपकी हफ्ते की शुरुआत हो रही है Pisces, वेरी नाइस। बहुत लाइट एनर्जी है, कोई हैवी एनर्जी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कोई ऐसा शख्स, खासकर कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये शख्स ना पब्लिकली कुछ ऐसा करने वाला है कि आपको बहुत मान होगा, आपको बहुत नाज होगा अपने आप पर कि हाँ, इस शख्स ने सभी लोगों के सामने आपको चुना, आपके हक में बात की। वो होता है ना कभी कभी कुछ लोग हमारे हक में बात कर दें तो हमें बहुत अच्छा लगता है मन में कि हाँ, मेरे हक में कोई खड़ा है। तो ये जो शख्स है कुछ ऐसा कर सकता है इस हफ्ते के दौरान कि आपको नाज होगा कि आप इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप इस शख्स के दोस्त हैं। तो ऐसी ऊर्जा, वेरी नाइस। फाइव ऑफ वॉन्स, ओके। तो अगर आप किसी के साथ आर्गुमेंट में हैं, तो ये शख्स ना वो वैसी ऊर्जा है, वो कहेगा इससे नहीं, मुझसे बात कर तू। वो कहेगा तुम पीछे हट जाओ, मुझे हैंडल करने दो। तो यहाँ पर वो हेल्प, वो रहेगा जैसे आपके मन में कि हाँ, मेरे लिए भी कोई है, वो अच्छी सी फीलिंग आ सकती है आपको। फाइव ऑफ वॉन्स आर्गुमेंट्स का कार्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है। तो ये शख्स जैसे उसमें आपकी हेल्प करेगा, उसमें जैसे वो सामने जाके खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि नहीं, इससे नहीं, मेरा सामना करो। स्ट्रेंथ, एवरीथिंग विल बी ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग। तो आपके करियर में कुछ चल रहा है, यहाँ पर करियर की ऊर्जा ज्यादा है। करियर में किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी ने कुछ कह दिया है या कोई गॉसिप हुआ है आपके बारे में, और ये जो भी शख्स है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगेन, ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, प्यार जिसके साथ है वो तो डेफिनेटली हो सकता है। जैसे वो कहेगा कि अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो, तुम चिल करो। तो ऐसी ऊर्जा है, बहुत बड़ी हेल्प आपके लिए रहेगी इस हफ्ते। लियो एनर्जी भी है यहाँ पर, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। नाइन ऑफ वॉन्स, कीप काम, माय गॉड Pisces, क्या रहा है ये, किसकी कॉन्फ्लिक्ट की ऊर्जा मिल गई इस रीडिंग में, किसके साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मन में चल रहा है या लोगों के साथ चल रहा है। आप में से कुछ लोगों की एक्स आपको तंग कर रहा है पिछले कुछ दिनों में शायद, और आपका जो करंट पार्टनर है वो भी आपको उनसे प्रोटेक्ट करने की जैसे कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपके ऊपर जैसे मानसिक तौर पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है, ये जो भी शख्स है, ये जिसने भी ये ड्रामा क्रिएट किया है ना, वो आपकी ऊर्जा को लेकर ही एक्चुअली खुद को पाल रहा है, आपकी ऊर्जा पर पल रहा है। तो एनर्जी वैम्पायर है ये शख्स, लेकिन ये जो आपका, ये जो हेल्प है आपकी, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एस ऑफ वॉन्स, तो वो ड्रामा खत्म हो जाएगा इस हफ्ते, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली उस ड्रामे से आपको निजात मिल जाएगी और फिर से आप एक फ्लो में आ जाएंगे। एस ऑफ वॉन्स फ्लो का भी कार्ड होता है कि जब वो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो, लेकिन फिर दोबारा से वो कंट्रोल में आ जाए, वो फ्लो होने लगे दोबारा से पानी। तो जो शुरुआत है उसकी शुरुआत ही इस हफ्ते की आपकी बहुत हेल्प के साथ हो रही है। ये ड्रामा पहले से चला हुआ है, ये इस हफ्ते का नहीं है, ये पहले से चला हुआ ड्रामा है, लेकिन उससे आपको निजात मिल सकती है इस हफ्ते।
किंग ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड आई थिंक कैंसर की रीडिंग में आया था, कर्क राशि की। किंग ऑफ पेंटिकल, सी यहाँ पर कमिटमेंट है, वेरी सेटिस्फाइड विद योर सर्विस, 5 स्टार्स, माने कि आपके आपके लिए किसी ने कुछ किया और आप उसकी वजह से बहुत इंप्रेस्ड हैं। ये जो शख्स है जिसकी यहाँ बात की, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, बहुत आपको प्यार देगा ये शख्स। इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट अगर कोई है तो वो ये शख्स है। आपकी इमोशनल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान यही शख्स रखने वाला है इस हफ्ते, और आप बहुत इम्प्रेस्ड भी रहेंगे। मैं आपको एक हिदायत दूंगी, अगर ऐसा कुछ भी हो ना, अगर ये शख्स आपकी हेल्प करे तो इसको एक रिटर्न गिफ्ट ज़रूर देना, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल ना कुछ मांगता नहीं है कभी, लेकिन कभी कभी हमें भी ध्यान रखना होता है ना ऐसे शख्स का जो कुछ मांग ही नहीं रहा बेचारा, या कुछ कुछ हमसे उम्मीद नहीं करता, बस हमारी हेल्प करने को तैयार रहता है। तो ऐसे लोगों का हमेशा थैंक यू करना चाहिए और उनको भी हमेशा अच्छा फील करवाना चाहिए। तो कोई भी हल्का सा, बड़ा सा या छोटा सा, अपने हिसाब से देखिएगा, कोई तोहफा लेकर दे दीजिएगा इस शख्स को, ठीक है, ताकि वो रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि हाँ मेरे मन में भी आपके लिए बहुत प्यार है और मैं थैंक यू करता हूँ आपको इस हेल्प के लिए। आपके जो चार्म से वो देखते हैं, तो आपके फोकस में तो बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले ये जो रबर है तो कुछ बांधने की, कुछ लूज है, और कहते हैं कि वो जब कुछ चीज़ें लूज हो, मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट हो, वो खुला हुआ हो ना, अगर उसकी सील ना लगी हो तो वो कहते हैं ना कि वो बासी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं है कि जिसको आपने बहुत समय से अटेंशन नहीं दी है, कि आप अपने ही काम में मस्त लगे हुए हैं। और कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं ना कि हम थोड़ा सा ध्यान देना भूल जाते हैं, माँ का या बाबा का या भाई बहन का, लव रिलेशनशिप में भी, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान देना, उसको दोबारा से बांधने की कोशिश करना। सेलिब्रेशन भी है यहाँ पर, पेस्ट्री है, तो आप में से कुछ लोग वो थोड़ा सा पार्टी वाली फीलिंग भी, इस हफ्ते कोई पार्टी भी अटेंड कर सकते हैं। रिलैक्स, लुक यही शख्स ये काम करने वाला है, वो कहेगा रिलैक्स, अपनी प्रॉब्लम मुझे दे दो, तुम चिल करो, तो ये भी रहेगा आपके लिए। समय का सदुपयोग, ये जो भाव है, ये जो लेसन है, ये भी सीख सकते हैं आप। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा हो, आप नज़रअंदाज कर रहे थे, प्रोकेस्टिनेशन की भावना में थे, इस हफ्ते आपको वो भी सबक सिखाया जा सकता है कि समय का सदुपयोग करना सीखिए। बनी है हमारे पास पेट के साथ भी, अगर आपके पास कोई पेट है उसके साथ भी आपका अच्छा रिलेशन रहेगा, उनको भी कोई ना कोई ट्रीट ज़रूर लेकर दे दीजिएगा, कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी इस शाम से वो भी भाव आता है, तो कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी मिल सकता है आपको। येलो ड्रैगन फ्लाई जो कि सेक्रल चक्रा की याद दिलाती है मुझे, तो सेक्रल चक्रा का अगर बैलेंस नहीं है इस आर्गुमेंट्स की वजह से, इस ड्रामे की वजह से अगर कोई असर पड़ा है, तो उसकी मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप, और हीलिंग और होप। लुक स्टार अक्वेरियस एनर्जी, कुंभ राशि की, तो होप दोबारा रीस्टोर होना, विश्वास का दोबारा रीस्टोर होना, अगर किसी चीज़ में आपका विश्वास टूट गया था तो उसको दोबारा रीस्टोर करना। तो फोकस में तो बहुत कुछ है, यहाँ पर हार्ट चक्रा की भी एनर्जी है क्योंकि ग्रीन ड्रैगन फ्लाई है, तो आपके चक्रास पर बहुत आपको शायद काम करने की जरूरत है इस हफ्ते। सेक्रल है और हार्ट चक्रा है, राइट। क्रिसमस भी है यहाँ पर, 25 दिसंबर या उस महीने के दौरान कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं, या उसके बारे में कोई प्लान बनाना वो भी हो सकता है। त्योहार वो तो चल ही रहा है, भारत में तो खास करके त्योहारों का सीजन चल ही रहा है, तो त्योहारों का भी क्या करना है, कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से प्लान से आपके, वैसे भी चीज़ें उस वैसी गुफ्तगु भी हो सकती है, आपकी जॉय खुशी के बारे में ये संकेत देता है। कैरेट, तो आप में से कुछ लोगों को हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है शायद, आप मेरे ख्याल से काफ़ी तला हुआ खाना खा रहे हैं कुछ समय से, तो यहाँ पर कैरेट्स की बात है कि आपको हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है। यहाँ पर बनीज भी हैं देखिए, तो आप में से कुछ लोग शायद बनी लेने के बारे में सोच रहे हैं। मेरा साइन पाइसिस नहीं है गाइज, लेकिन मैं बनी लेने के बारे में सोच रही हूँ, मैं हैरान हूँ कि आपकी रीडिंग में मुझे वो मैसेज मिला, तो हो सकता है कि आप भी बनी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, सोलमेट की एनर्जी,
अगेन यहाँ पर न्यू मून की ऊर्जा भी है और अगेन स्टार, तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं आपके लिए. न्यू मून ये जो आने वाला है इस महीने में, जब भी होगा मुझे तारीख पता नहीं है, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं. वाओ, 3 ड्रैगन फ्लाई निकली हैं आपके, मैंने ध्यान नहीं दिया. तो यहाँ इंट्यूशन, पर्पल कलर है तो इंट्यूशन, आपकी अंतर आत्मा भी बहुत एक्टिव रहेगी, माने आपकी सिक्स्थ सेंस, आपको पहले से ही आभास हो सकता है कुछ चीज़ों का. अगर कोई लोग आपके मुंह पर तो अच्छे हैं, पीठ पर कुछ कुछ और हैं आपके, है ना, तो वैसी वैसा भी आपको आपकी इंट्यूशन संकेत दे सकती हैं पहले से ही, वार्निंग्स जो होती हैं. कैलीग्राफी, कुछ लोगों को अपनी हैंड राइटिंग को सुधार करने की ज़रूरत है, तो ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है. 10 of Pentacle, तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, 10 of Pentacle, कमिटमेंट तो रहेगी, कमिटमेंट का भाव तो रहेगा, आप सुरक्षित महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपको कोई छोड़ नहीं रहा, कोई मतलब आपके आसपास हैं, आप अकेले नहीं हैं, वो कमिटमेंट का भाव रहेगा. आखिरी में है आपके पास ये मटर के दाने, कोई हिडन टैलेंट जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है. रिसेंटली हो सकता है कि आपको अपना कोई हिडन टैलेंट पता लगा हो कि हाँ आपके अंदर ये भी काबिलियत है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उस पर भी थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है. उसको जितनी अटेंशन देंगे, हो सकता है कि वो आपके करियर में भी आपकी हेल्प कर सके, है ना, आपकी पर्सनैलिटी को और निखार सके. तो अगर ऐसा कोई भी टैलेंट आपको पता चला है, हिडन टैलेंट, तो उसके उसका भी इस हफ्ते में ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग पाइसीज. मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये स्टाइल कैसे लगा. मैंने पहली बार चार्म्स यूज़ किए हैं रीडिंग में, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस. तब तक के लिए बाय बाय.